हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो इसको बनाना बहुत इजी होता है और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होता है और ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग है, बिल्कुल नहीं चिपका आपस में। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम अपना राइस बनाना। तो अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। तो तेल मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है दालचीनी 1 इंच और साथ में इसमें मैंने ऐड की हरी इलायची। तो हरी इलायची को मैंने खोल के ऐड किया है, वो मैंने 2 ऐड किए यहाँ पर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ काली मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 काली मिर्च इसमें ऐड की है। इनको थोड़ी देर के लिए हम लोग भून लेंगे। जो चावल हमने भिगोया था उसको हम ड्रेन करके उसका सारा पानी को निथार लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसको भुनने में 1 मिनट लगता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप। इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम लोग। तो प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक। अदरक मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच। अदरक को मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई बीन्स। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बीन्स का यूज़ कर रही हूँ सब्जियों में। आप चाहे अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, कैप्सिकम, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अभी हमने फ्लेम को मीडियम में रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे मैंने लिए 1/2 कप। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गल ना जाए। हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कटी हुई हरी मिर्ची और जो चावल हमने भिगोया था उसको मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल सूख चुका था चावल। तो उसको हम इसमें अब ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करने के बाद हमें इसको 2 मिनट के लिए भून लेना है। और हल्के हाथों से हम भूनेंगे क्योंकि चावल गीले हैं तो टूट सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसको भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है भूनने से। तो चावल हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिया था। तो जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था तो मैं उसी कटोरी से नाप कर इसमें 2 कप पानी डालूंगी, मतलब 2 कटोरी पानी डालूंगी। तो ये इसका मेजरमेंट है। अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो उसमें 2 कटोरी पानी डालिए अगर कढ़ाई में बना रहे हैं, और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 1.5 कटोरी पानी में आपका बन जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक का यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसको हाई फ्लेम में एक बॉईल देना है। तो जैसे हमारा चावल में एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। तो ये वही चीज़ है जिससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और इससे हमारा चावल का एक एक दाना अलग होगा और आपस में चिपकेगा भी नहीं। तो अभी हमें इसको ढककर पकाना है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल बनकर रेडी है। लेकिन अभी हम इसको सर्व नहीं करेंगे, इसको हम 5 मिनट और ढककर ऐसे छोड़ देंगे। इससे हमारे चावल बिल्कुल एकदम से अच्छे से खिले खिले हो जाते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट और छोड़ने के बाद हमारे चावल बनकर एकदम रेडी है।
आप लोग देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलग है। तो ये रेसिपी को आप बनाइए, इसके साथ आपको कोई दाल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, इसके साथ आप दही ले लीजिए या चटनी ले लीजिए या वैसे खा लीजिए, इसमें नींबू निचोड़ के बहुत ही टेस्टी होती है और टेस्ट के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है। तो वेजिटेबल्स आप जितना ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्दी होगी। मैंने यहाँ सिर्फ एक वेजिटेबल इसमें ऐड की है, तो मैंने सिर्फ बीन्स यहाँ पर ऐड की। आप चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी अपने मनपसंद का ऐड कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।